नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से तो स्वागत है नेचुरल एजुकेशन के इस हिंदी के हल्के फुल्के रिवीजन में। तो चलिए आज समास के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समास दो शब्दों का मेल है। समास दो शब्दों का मेल है। दो शब्दों के मेल से बना शब्द कहलाता है समासे सामसिक पद। तो दो शब्दों से के मेल से बना शब्द कहलाता है सामसिक पद। समास पद का पहला पद होता है, जो पहला पद होगा वो पूर्व पद। समस पद का दूसरा पद होगा उत्तर पद। धनहीन में पूर्व पद है धन। समास होने पर विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप। समास व संधि साथ साथ भी होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? छह। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है द्विगु। इस समास में उपमेय उपमान आते हैं कर्मधारय। इस समास में पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में पहला पद हमेशा प्रधान होता है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद। यह समास पद है सुबह शाम। चंद्रमुख में समास है कर्मधारय। यथाशक्ति में समास है यथा, अव्यव आ गया यथा, तो ये हो गया अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं छह। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण। ये छह भेद होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण। आमरण, इसमें कौन सा समास है? आमरण में आ अव्यव लगा हुआ है, तो ये हो गया अव्यय भाव। मीराकृत में समान है तत्पुरुष है कारण। इसमें कर्मधारय समास है सज्जन या दानवीर, सज्जन में होगा कर्मधारय। दशमुख में समास है दशमुख यानी रावण यानी बहुव्रीहि। आजन में समास है अव्यय भाव या द्वंद। आ अव्यव लग गया आ, तो ये होगा अव्ययी भाव। लाभ हानि में समास है तत्पुरुष या द्वंद। लाभ हानि में होगा द्वंद, दोनों पद प्रधान है। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कार्य कुशल या गिरधर, तो गिरधर यानी कृष्ण यानी बहुव्रीहि। बेटोक का समास विग्रह होगा बिना टोक के। एक दंत में समास है यानी कि एक दंत यानी गणेश, इसका मतलब होगा बहुव्रीहि। द्विग समास का उदाहरण है करकमल या नवग्रह, तो द्विग समास में पहला पद होता है संख्यावाची, तो ये होगा नवग्रह। नव यानी नौ ग्रह। लंबोदर का बहुव्रीहि, लंबोदर यानी गणेश। ग्रामागत में तत्पुरुष समास है कौन सा? कर्म। राजकन्या में समास है संबंध तत्पुरुष। चौमासा का समास विग्रह है चार मासों का समूह। इसी के साथ दोस्तों, ये हमारा हल्का फुल्का जो वार्म अप जो चल रहा है, इसका एक चैप्टर समाज का समाप्त होता है। तो बाकी लेवल जब तू हम चलाएंगे तो उसमें पूरा संधि हो, समास हो, क्रिया हो या और भी जो चीज़ें हो, तो विस्तार पूर्वक जो है बिल्कुल वर्णन करेंगे, उनकी ट्रिक्स भी चलाएंगे। तो फिलहाल हम एक वार्म अप कर रहे हैं, एक सेट कर रहे हैं, एक मतलब माइंड को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि माइंड पर लोड भी ना पड़े और धीरे धीरे नॉलेज भी हो जाए, मूड वो एक बन जाए आगे जो गहराई से जानने के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।